इन बच्चियों का सुनने वाला, इनको संभालने वाला, इनका जीवन चलाने वाला, इनके पास कुछ नहीं बचा है, कोई नहीं है इनके पास। ये कितना बड़ा गुनाह है सरकार का। बैठ जाओ बेटा। देखिए, एक पेंसिल से ये गुजारा करती थी जो उस पीटीआई साथी ने 10 साल के इस अवधि के दौरान ईमानदारी के साथ जो नौकरी की थी उसकी पेंशन से ये अपना गुजारा चला रही है। इनको आगे पढ़ना भी है, आगे इनकी शादी भी करनी है, आगे इनका देखरेख भी करनी है। उस पेंशन को भी इस निगम में सरकार ने बंद करने के आदेश दे दिए। कितना बड़ा गुनाह है देखो। क्या रोना नहीं आता? ऐसे बच्चों को जो हम देखते हैं, कौन रखवाली करेगा इनकी? आप सबको पता है हमारे हिंदुस्तान की एक संस्कृति होती है, अगर एक विधवा नारी घर से बाहर पैर टेकती है 10 प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं उसके ऊपर। ये क्या कर सकती है बेचारी? ये भी बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं सरकार को नसीहत देता हूँ, ऐसी सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। जी, मैं, मेरे पति सुनील पीटीआई जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं है जिनके सहारे पे मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कर सकूं। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा कुछ ऐसा बंदोबस्त करें, या भाई जो 1983 पीटीआई हैं उनके साथ हमारी भी सेवा बहाल की जाए। और जैसे मेरा परिवार मेरे साथ, अन्य साथ, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, मैं उनको कैसे पालन पोषण कर सकती हूँ? तो इनके लिए मेरी सेवा बहाल की जाए। पेंशन कब था? वो पेंशन आ रही है या बंद? नहीं जी, मेरी पेंशन बंद है जी, मेरी पेंशन नहीं चालू ही नहीं हुई है। जैसे कि हमने केस डाला था, वो मेरी फाइल ही वापिस कर दी है, वो फाइल ही वापस पंचकूला पहुंच चुकी थी, वो वापिस कर दी। तो मैं इसके सारे मैं बताना चाहती हूँ सरकार को कि भाई मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे हो, और मेरे साथ जो 1983 पीटीआई और हैं उनका मेरे साथ सहयोग है। तो मेरे भी परिवार का कुछ हो या 1983 उनका भी हो, हम सरकार से सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि जो हमारे साथी हैं जो पीटीआई हैं उनका सबकी सेवा बहाल की जाए, हमारे परिवार का ध्यान रखते हुए। जो 2000 जी, मैं गांव धोड़ जिला झज्जर से हूँ।